महात्मा गांधी जी का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा भारत स्वच्छ और सुंदर हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था। वह पदयात्रा अपने विधानसभा सदर क्षेत्र में हर गांव गांव में जाने के लिए 8 टोली बनाई गई थी। वह 8 टोली लगातार सबके अपने गांव निर्धारित थे, उन गांव में प्रतिदिन 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर जो अपने उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय से ऐसे लाभान्वित लोग हैं उनसे मिलना, उनके सुझाव लेना और गांव की और भी समस्याओं का संकलन हेतु यह पदयात्रा था। आज उसका समापन किस तरह की समस्याएं देखने को मिली है? गांव में काफी उत्साह है। मोदी जी के योजना जो सिलेंडर का है, हॉस्पिटल के कार्ड का है, इसको लेकर के लोग काफी उत्साहित थे और मोदी जी को अपने लाल के रूप में ऐसे तमाम सब सुनने को मिले ये सब मोदी लाल ने किया है। पांच राज्यों में हार के बाद देख रहे हैं भाजपा एक कमरे में सिमट गई है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीतिक कार्य है तो चरव्यक्ति का मंत्र है अपना, चलेंगे तो थोड़ा कहीं सफलता असफलता दोनों एक राजनीति में एक लगा हुआ कड़ी विरोध भी दिखाई दिया सामने सम्मानित करने में। नहीं नहीं, वो कोई विरोध नहीं है, कार्यकर्ताओं का आपस का उनका कहना था कि कोई पदयात्रा नहीं था, मिलता उसको इसके बाद कोई विषय नहीं, कहीं कोई बात होगी तो उसको।